देश भर सहित छत्तीसगढ़ में भी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा के निर्देश पर भाजपा युवाओं ने गरियाबंद जिले में विकास तीर्थ बाइक रैली के जरिए जनता के बीच पहुंचकर मोदी सरकार के 8 साल उपलब्धियों को गिना रही है। गरियाबंद भाजयुमो के जिला अध्यक्ष योगीराज माखन कश्यप और देवभोग अध्यक्ष जगमोहन पटेल, झाखर पारा अध्यक्ष पेकू राम नायक के नेतृत्व में देवभोग कॉलेज परिसर से विकास तीर्थ बाइक रैली निकाला गया। रैली से पूर्व कॉलेज परिसर में एक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह माझी, हलमत ध्रुवा, सनत माझी, शोभा चंद पात्र सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। योगी राज माखन ने बताया कि देवभोग मैनपुर में बना कॉलेज भाजपा शासन काल की दे है, इसलिए दोनों ब्लॉक में बाइक रैली के लिए कॉलेज को चुना गया है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जिला में विधानसभा स्तरीय विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन है। आज यह आयोजन आगाज है 2023 विधानसभा स्तरीय चुनाव का। आज से हम आगाज कर रहे हैं विधानसभा स्तरीय चुनाव के लिए। आज सैकड़ों की संख्या में यहां बाइक रैली का आयोजन है, जो मोदी जी के स्वर्णिम 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा शासनकाल में निर्मित क्षेत्र के उपलब्धियों को कनेक्ट करते हुए क्षेत्र के जनता को भारतीय जनता पार्टी के विकास की गाथा को लेकर के जन समूह तक हम पहुंचेंगे। इस थीम के साथ आज बाइक रैली का आयोजन किया गया जाएगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको जो मनाई जा रही है, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का कमान संभाला, तब से पूरी योजनाएं गरीबों को लेकर के, गरीबों को दृष्टिगत रख करके उन्होंने जो योजनाएं यहाँ पे संचालित की, जिससे डायरेक्ट गरीबों को लाभ हुआ। आज उनका 8 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाइक रैली योजना के तहत ये यहाँ से निकल करके रुमाल होते हुए ये बाइक रैली घोरा पदर में समापन होगा। और इसमें हम जो गरीब कल्याण के लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में जो काम किया है, उन विषयों को रेखांकित करते हुए उन पूरे कार्यकर्ता जो सुमन के साथ इस रैली में इस बातों को रखेंगे इस रैली के माध्यम से, और पूरे योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का।